सेंटर ऑफ मास मैंने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से रिलेटेड चीजें स्टार्ट करके बताई थी तुमको। हाँ क्या होता है बच्चों, ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ये देखते हैं। गर्म भी क्या है, अब देखिए जी इसमें क्या मुद्दा है। कुछ और तरह के सवाल भी अपन करते हैं, जैसे मान लो कि यही क्वेश्चन था कि एक वेज है जिसमें इस पे क्या है, एक ब्लॉक चलता हुआ है, एम मास का है, यू स्पीड से चलता हुआ है। वेज की जो हाइट है बच्चों वो यू स्क्वायर बाई 4g है। सॉरी, यू स्क्वायर बाई 4g तक तो हमने कहा ही था कि वो जाएगा। मान लेते हैं यू स्क्वायर बाई 8g, ठीक है, उसका भी मास m है, वेज इनिशियली रेस्ट है, और ये सरफेस स्मूथ है, वेज इज ऑल्सो स्मूथ। तो अब इसमें हमें पता करना फाइंड द मैक्सिमम हाइट अबव ग्राउंड अटेंड बाय द।
और हमें ये दिया हुआ है कि द द अपर मोस्ट कर्व्ड सरफेस ऑफ द वेज, द कर्व्ड सरफेस ऑफ द वेज टर्मिनेट्स इन अ वर्टिकल सेक्शन एट द टॉप। मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पूरी तरह से कैसा है? वर्टिकल। क्या आएगा बच्चों? कैसे करेंगे जी इसको?
बच्चों क्या होगा, जब तक जब ये ब्लॉक टॉप ऑफ द वेज पे पहुंचेगा, बाय दैट टाइम वेज वुड डेफिनेटली अक्वायर सर्टेन वेलोसिटी, और ब्लॉक की वेलोसिटी रिलेटिव टू द वेज जो हो जाएगी उस इंस्टेंट पे, वो ठीक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, और वेज की वेलोसिटी राइट साइड में है और ब्लॉक की भी वेलोसिटी किधर है, राइट साइड। तो क्या होगा, हम एनर्जी कंजर्वेशन करें इनिशियल पोजीशन से इस पोजीशन तक, तो हाफ एम यू स्क्वायर शुरू में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी थी, बाद में क्या हो गई, हाफ एम वेलोसिटी ऑफ वेज का स्क्वायर प्लस हाफ एम इंटू वेलोसिटी ऑफ वेज का स्क्वायर प्लस वी रिलेटिव का स्क्वायर प्लस हाफ एम प्लस एम जी एच, दोनों की काइनेटिक एनर्जी आ गई और बात की पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो हाइट को तो यू स्क्वायर बाई 8 g ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेज का स्क्वायर प्लस वी रिलेटिव स्क्वायर बाई 2 प्लस यू स्क्वायर बाई 8, है ना। अब इस यू स्क्वायर बाई 8 को आप चाहो तो LHS में ले आओ, और ये कितना हो जाएगा बेटे, 3u² / 8 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेज का स्क्वायर प्लस वी रिलेटिव स्क्वायर बाई 2। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अगली इक्वेशन क्या लिखेंगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा जी, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एम इंटू यू इज इक्वल टू 2m इंटू वेलोसिटी ऑफ वेज, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वेज की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चे, u बाई 2। ये इक्वेशन नंबर 2। 2 में से वेलोसिटी ऑफ वेज की वैल्यू 1 में सब्सटीट्यूट कर दो आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3u² / 8 इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 4 प्लस वी रिलेटिव स्क्वायर बाई 2, तो आपके पास आ जाएगा 3u² / 8 माइनस u² / 4 इज इक्वल टू वी रिलेटिव का स्क्वायर बाई 2। तो इधर से हम 8 LCM ले लें जी, 3u² माइनस 2u² इक्वल टू वी रिलेटिव का स्क्वायर बाई, तो 3u² - 2u² करोगे तो क्या आएगा जी, u² / 2u² / 8, तो v रिलेटिव की वैल्यू क्या u / 2 आ जाएगी क्या,
वी रिलेटिव की वैल्यू आ जाएगी कितना, यू बाय टू। अब देखो वी रिलेटिव की वैल्यू यू बाई टू आ गई, इसका मतलब क्या है? ये ब्लॉक वेज के टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया है और अभी भी ब्लॉक के पास वेज के रिलेटिव कुछ वेलोसिटी है और साथ में इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, वो भी u by 2 है, वेज के पास भी u by 2 वेलोसिटी है। क्या अब ब्लॉक वेज से ऊपर निकल जाएगा क्या बच्चों? और अगर ब्लॉक वेज से ऊपर निकल जाएगा तो इसके बाद वेज की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी अब, है ना? और ब्लॉक का पाथ कैसा हो जाएगा? देखो ब्लॉक की रिजल्टेंट वेलोसिटी अभी 45 डिग्री एंगल पे है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ब्लॉक का पाथ जो है वो पैराबोलिक हो जाएगा? आफ्टर दिस पाथ ऑफ ब्लॉक विल बिकम पैराबोलिक। तो कितनी और हाइट वो राइज करेगा? मान लो इसको मैं h बोल देता हूँ, तो ये h की क्या वैल्यू आ जाएगी? h की वैल्यू हो जाएगी u y स्क्वायर बाय 2g, तो यानी u बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। क्या ये वैल्यू u स्क्वायर बाय 8g के बराबर आएगी? ये वैल्यू आएगी u स्क्वायर बाय 8g के बराबर। इसका मतलब मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय ब्लॉक अबव ग्राउंड क्या आएगा? क्या वो u स्क्वायर बाय 8g प्लस u स्क्वायर बाय 8g ऐसा आएगा? तो क्या इसको आप u स्क्वायर बाय 4g लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कितना? u स्क्वायर बाय 4g। अच्छा आप इसमें पता है एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल बनता है, इन द अबव सिचुएशन फोर्स
फाइंड द मैक्सिमम स्पीड अक्वायर्ड बाय द ब्लॉक। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड अक्वायर्ड बाय द ब्लॉक। Find the maximum speed acquired by the wedge, not block, by the wedge. Wedge कितना maximum speed acquire करेगा? क्या होगी बच्चों मैक्सिमम स्पीड अक्वायर्ड बाय द वेज? व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड अक्वायर्ड बाय द वेज बच्चों?
मैक्सिमम स्पीड अक्वायर्ड बाय द वेज क्या हो? जल्दी बताओ भैया, तुम ही को आंसर बताना है इसका, तुम ही को सोचना है। देखो मैकेनिक्स में क्या है, आपको कंसेप्ट तो लिमिटेड है। जैसे इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्या है, सेंटर ऑफ मास कैसे पता करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे पता करते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं, बाकी सब क्या है, बाकी सब क्वेश्चंस है और सोचना है आपको। यू थिंक अबाउट इट, कैसे करें। जब तक तुम अपने विचार नहीं बताओगे तब तक क्या है, उनपे उन्हीं पे मैं बिल्ड करूंगा। आई विल बिल्ड ऑन योर थॉट्स ओनली। यू बाय टू होगा क्या? क्या होगा बेटे? यू बाय टू। यू बाय टू, यस यू बाय टू होगा, बिल्कुल सही बात। इट विल बी यू बाय टू, क्योंकि देखो क्या होगा बच्चों, ब्लॉक जब वेज से कांटेक्ट छोड़ देगा, उस इंस्टेंट पे वेज की वेलोसिटी क्या थी? यार मैंने ये u by 2 गलत लिखा है, ये एक्चुअल में क्या है? क्या नहीं, नहीं u by 2 नहीं होगा बेटे, u by 2 सही आंसर नहीं होगा। u by 2 इज नॉट द करेक्ट आंसर। अच्छा चलो ठीक है, मैं डिस्कस करते हैं अपन एक एक करके। मैं स्टेप बाय स्टेप तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, उसके छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ, है ना। ब्लॉक वेज से कांटेक्ट छोड़ दिया, अब बताओ वेज के पास उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या है जब ब्लॉक ने वेज से कांटेक्ट छोड़ा? U by 2। उस इंस्टेंट पे U by 2 है, है ना। अच्छा ब्लॉक के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? वो भी U by 2 है, और ब्लॉक के पास एडिशनली एक वर्टिकल डायरेक्शन U by 2 है। अच्छा ब्लॉक का इसके बाद मोशन प्रोजेक्टाइल होगा। हाँ। क्या ब्लॉक की जिसका प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं, वो शायद वापस कोलाइड करेगा ना उससे। हाँ ब्लॉक की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो U by 2 की U by 2 ही रहेगी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी उसकी कम होती जाएगी धीरे धीरे। अगर अच्छा वेज पे भी ब्लॉक ने कांटेक्ट लूज कर दिया, तो वेज का भी क्या होगा, वेज भी अपने U by 2 वेलोसिटी से चलता जाएगा। तो जिस इंस्टेंट पे ब्लॉक यहाँ पहुंचेगा, तो उस इंस्टेंट पे पता है वेज की स्थिति क्या होगी, वेज कुछ ऐसी जगह पर,
हाँ सर, ठीक है। और चलते चलते एक क्या जिस समय पर ब्लॉक यहां पहुंचेगा तो हॉरिजॉन्टली इसका मतलब दोनों साथ में चल रहा है ना, वो ब्लॉक ऐसे चल रहा है, लेकिन जितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का हो रहा है उतना ही वेज का भी हो रहा है। तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि ब्लॉक जब वापस इधर पहुंचेगा तो वेज बिल्कुल वहीं पे एग्जैक्टली पहुंच जाएगा उसको रिसीव करने के लिए। क्यों जी? हाँ सर, अब इसके बाद क्या होगा, देखो इस इंस्टेंट पर तो ब्लॉक की वर्टिकल वेलोसिटी यू बाई टू हो जाएगी एनर्जी कंजर्वेशन से, और हॉरिजॉन्टल में तो वैसे भी कोई चेंज नहीं हुआ था, और वेज की भी वेलोसिटी क्या हो गई, यू बाई टू हो गई। अब जब ब्लॉक इस वेज पे स्लाइड करेगा तो वेज पे दोबारा नॉर्मल फोर्स क्या इस डायरेक्शन में लगाएगा? विल ब्लॉक एक्सर्ट नॉर्मल फोर्स इन दिस डायरेक्शन ऑन वेज? तो हाँ इस सर, डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, वेज विल एक्सेलरेट टुवर्ड्स राइट, हाँ वेज की जो वेलोसिटी है वो और फर्दर इंक्रीज होगी राइट की तरफ, है ना? तो क्या होगा जी, देखो अल्टीमेटली जब तक ब्लॉक वेज पे है तब तक वो वेज पे राइट डायरेक्शन में ही फोर्स लगाता जाएगा, और क्योंकि वेज की पहले से वेलोसिटी राइट में थी तो इसका मतलब क्या होगा, वो उसकी राइट साइड की वेलोसिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी, और कब तक इंक्रीज होती जाएगी जी, जब तक ये ब्लॉक पूरा का पूरा वेज पे से उतर नहीं जाता, नीचे नहीं आ जाता, तब तक वेज की वेलोसिटी बढ़ती ही जाएगी। तो मान लेते हैं बढ़ते बढ़ते वेज की वेलोसिटी हो गई v1 और ब्लॉक की वेलोसिटी हो गई कितनी, v2। अच्छा वेज की बढ़ रही है तो ब्लॉक की थोड़ी तो कम होगी, सही? क्या बताओ, ये पूरे पूरे समय पर क्या सिस्टम का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहा क्या, हाँ सर, है ना? लीनियर मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। इसका मतलब क्या है जी, क्या मैं बोल सकता हूं m इंटू यू बराबर है m इंटू वी वन माइनस m इंटू वी टू के? शुरू में मोमेंटम कितना था ब्लॉक के पास m u, वेज के पास 0, और बाद में क्या हो गया, वेज के पास वी वन ब्लॉक के पास वी टू लेफ्ट में, तो जो लेफ्ट वाला है उसको नेगेटिव बोल दिया, राइट वाले को पॉजिटिव। तो ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन बन गई जी आप, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और एक इक्वेशन क्या बना दूंगा मैं, एनर्जी कंजर्वेशन, तो वो क्या हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ऑन ब्लॉक प्लस वेज, वो भी पूरे समय पे कंजर्व रहेगा क्योंकि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ने ही वर्क किया है, इंटरनल नॉर्मल का वर्क तो जीरो। अच्छा इसमें ब्लॉक की जो लैंडिंग होगी ना वेज पे वो स्मूथ लैंडिंग होगी, ऐसे कोई थर्ड करके नहीं टूटे गिरेगा, समझ रहे हो बच्चों? तो हाँ सर, इस वजह से क्या है, हम लीनियर उसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, क्योंकि देखो जितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ब्लॉक के पास है उतनी वेज के पास भी है, तो उनके आपस में मतलब ऐसा कोई टक्कर जैसी टक्कर नहीं होगी उनके बीच में, इट विल बी लाइक अ स्मूथ लैंडिंग। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ऑन ब्लॉक प्लस वेज हम कर सकते, ध्यान दो अगर टक्कर होती तो हम नहीं कर पाते एनर्जी,
क्योंकि टक्कर के दौरान एनर्जी में लॉस हो जाता। तो क्या करें, देखो शुरू से, बिल्कुल शुरू वाली इस स्थिति से यहां तक एनर्जी कंजर्वेशन कर रहा हूं मैं, तो शुरू से यहां तक की स्थिति में जब एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे हैं तो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई अब चेंज आया नहीं है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की बात रह गई है। तो हाफ एम यू स्क्वायर, ये ब्लॉक की शुरू में काइनेटिक एनर्जी और वेज की तो जीरो थी, और अब हो गई है हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी से डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हाफ एम से हाफ एम आप कैंसिल कर दो तो यू स्क्वायर इक्वल टू वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, और यू बराबर आ जाएगा वी वन माइनस वी टू के। हम क्या करें, इनमें से किसी भी एक की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में लिखते हैं, जैसे वी वन को सब्स्टिट्यूट कर दो यू प्लस वी टू, तो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर इक्वल टू वी वन को सब्स्टिट्यूट कर दिया यू प्लस वी टू का होल स्क्वायर प्लस वी टू का स्क्वायर। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी यू स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस टू यू वी टू प्लस वी टू का स्क्वायर। तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो इज इक्वल टू वी टू इंटू वी टू देखो ये वी टू स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर ऐड होकर के टू वी टू स्क्वायर हो गया था, उसमें से वी टू कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, टू वी टू प्लस टू यू, है ना। अब देखो यहां से आपके पास क्या वैल्यू मिल रही है, या तो वी टू मिल रहा है जीरो के बराबर, या वी टू मिल रहा है कितना, माइनस यू के बराबर, है ना। अब देखो क्या वी टू माइनस यू के बराबर हो सकता है क्या, हमने वी टू की डायरेक्शन किधर मानी हुई है बेटे, लेफ्ट में, और ये इक्वेशन बोल रही है कि वी टू माइनस यू के बराबर आ गया, इसका मतलब यू राइट में आ गया, हाँ तो ब्लॉक की वेलोसिटी राइट में अगर यू हो जाए, है ना। या आप ऐसे सोचो कि इस इक्वेशन में अगर मैं जैसे इस इक्वेशन में वी टू को माइनस यू रख दूं, वी टू को क्या रख दूं, माइनस यू, तो वी वन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, वी टू इक्वल हाँ टू सर माइनस यू इम्प्लाइज वी वन इक्वल टू जीरो। तो ये तो बेसिकली एक तरीके से इनिशियल कंडीशन क्रिएट हो गई कि नहीं हो गई, हाँ है ना। और हम जब बोल रहे हैं कि साहब वेज की वेलोसिटी तो बढ़ती जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी जीरो होने का तो सवाल ही नहीं है, तो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन दैट वी आर लुकिंग एट। वी टू को अगर जीरो रख देते हो इक्वेशन वन में पुट करो, तो वी वन की वैल्यू क्या आ जाती है, यू आ जाती है। तो ये वन ऑफ द सॉल्यूशन है जो कि फाइनल स्थिति में हो सकता है, क्या के साहब ब्लॉक की वेलोसिटी तो कितनी हो जाए बच्चों, ब्लॉक की वेलोसिटी तो हो गई कितनी, जीरो, और वेज की वेलोसिटी क्या हो गई, यू। और आप सर। फिर से वेरीफाई करके देख सकते हो कि क्या एनर्जी जो सिस्टम शुरू में लेकर के चला था, क्या अभी भी वही एनर्जी है, कितनी एनर्जी हाँ सिस्टम लेके चला था जी, हाफ एम हाफ यू एम यू स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर, है ना, और अभी भी कितनी एनर्जी है, हाफ एम यू स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर। क्या जितना शुरू में मोमेंटम लेके चला था अभी भी उतना ही मोमेंटम है, हाँ सर अभी हाँ भी सर उतना ही मोमेंटम। इसका मतलब क्या है, एनर्जी कंजर्व्ड है, मोमेंटम कंजर्व्ड है, बिल्कुल सेटिस्फाइड है। तो अब अच्छा क्या अब ये इसी वेलोसिटी से वेज चलता जाएगा, यही वेज की मैक्सिमम वेलोसिटी है। हाँ सर अब कैसे बदलेगी, बस अब यही मैक्सिमम वेलोसिटी है, यही फाइनल वेलोसिटी है वेज की।
ही मैक्सिमम वेलोसिटी हो चुका है। सर हाँ बोलो बेटे। सर इसमें मतलब पहले आपने तो ये कंसीडर किया ना कि मैक्सिमम वेज की वेलोसिटी तभी रहेगी जब ब्लॉक पूरा नीचे आ जाएगा इनिशियल पोजीशन के यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर पर मतलब मुझे यही डाउट है कि जो जब नॉर्मल वेज के अलोंग रहेगा तो भी तब भी हम लोग कंसीडर कर सकते थे ना। मतलब अगर मैं सोचा कि नॉर्मल वेज के अलोंग लग रहे हैं और तब एक्सिलरेट हो रहा है उससे वेज, तो फिर वैसे तो वो वेज का जो टॉप मोस्ट पोजीशन है उस पे भी मैक्सिमम हो सकता था ना जब ब्लॉक जस्ट लैंड किया वापस से। नहीं, जस्ट जब लैंड किया उसके बाद भी क्या है, देखो देखो, जब वो जस्ट लैंड किया तो तुम बोल रहे हो कि सब तब नॉर्मल ऐसे लग रहा था, है ना? हाँ सर ठीक है, अच्छी बात है। इसका मतलब अभी वेलोसिटी वेज की और बढ़ेगी, ठीक है? अच्छा, हाँ सर अब उस थोड़ी देर बाद ब्लॉक यहां पहुंच जाएगा, हाँ सर फिर नॉर्मल किधर लगेगा? ऐसे। हाँ उस नॉर्मल का एक कंपोनेंट अभी वेज की वेलोसिटी की डायरेक्शन में, स्टिल देयर इज वन कंपोनेंट इन द वेलोसिटी ऑफ वेज। नॉर्मल का एक कंपोनेंट अभी भी वेज की वेलोसिटी की डायरेक्शन में है ना, हाँ सर तो क्या मैं बोल सकता हूं अभी और वेलोसिटी बढ़ेगी इसकी? सर मतलब वो कंपोनेंट है ना तो फिर वो कम नहीं हुआ रहेगा क्या? नहीं, भाई देखो, मैं ये मान सकता हूं कि वेलोसिटी अब कम रेट से बढ़ेगी, है ना? हाँ मतलब ऊपर के डीटी टाइम के और अभी के डीटी टाइम की अगर तुलना मैं करूं तो उस डीटी टाइम में वेलोसिटी में हो सकता है इंक्रीज ज्यादा हुआ हो और इस डीटी टाइम में हो सकता है इंक्रीज कम कम हो, हो लेकिन हो तो इंक्रीज ही रहा है ना। हाँ हाँ सर नहीं भाई, आप हाँ ऐसे सोचोगे, आपने मान लो क्या किया, पिछले महीने कुछ पढ़ाई करी थी, एवरेज दिन की पढ़ाई आपकी ज्यादा आ रही थी, खूब लग के पढ़ाई करी। मान लो इस महीने क्या हो गया, थोड़ा सा आपकी तबीयत सी ठीक नहीं रही, लेकिन आपने क्या किया, थोड़ा पर दिन कम पढ़ाई करी, तो इम्प्रूवमेंट तो हो ही रहा है ना आपके। जितना पिछले महीने हुआ था हो सकता है उतना नहीं हुआ, लेकिन हुआ तो है ना। सर तो जब तक इस पे फोर्स लग रहा है, देखो वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है वो अलग बात, लेकिन बढ़ तो रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगने लग गया कि अब कम होने लग जाए वेलोसिटी, हाँ सर समझा ना? और दूसरा क्या है, इनफैक्ट ये वाले लॉजिक भी अपन नहीं बोल सकते कि साहब वेलोसिटी जो है वो मतलब देखो, नॉर्मल का भी हमें पता नहीं है ना कि नॉर्मल की वैल्यू बढ़ गई है कि कम हो गई, क्या पता थोड़ा सा नीचे जाए तो नॉर्मल का मैग्नीट्यूड ही बढ़ जाए, है हाँ सर ना? एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, वेदर नॉर्मल इंक्रीजेस और नॉट, नॉर्मल का एक कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, यही पर्याप्त है वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए। वो कम है ज्यादा है उससे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। दिक्कत कब आती है, जब अगर नॉर्मल अपनी डायरेक्शन बदल लेता किसी तरीके से, समझ रहे हो, हाँ सर हाँ तब दिक्कत आती। सर वापस ब्लॉक वेज पे लैंड करेगा ये कैसे पता चलेगा? देखो ये कैसे पता चला मुझे कि जिस इंस्टेंट पे ब्लॉक लेफ्ट द वेज, एट दैट इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ वेज वाज यू बाई टू। लुक एट दिस डायग्राम, इस इंस्टेंट पे ब्लॉक ने वेज को लीव किया, उस इंस्टेंट पर वेज की वेलोसिटी कितनी थी? U by 2, और वेज की भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है उस समय पे, वो भी U by 2 है। तो अगर दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी U by 2 है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ना वेज की बदलेगी ना ब्लॉक की बदलेगी,
क्योंकि ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा और वेज पे भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा, तो जब ब्लॉक वेज से अलग होके भी चल रहा होगा ना, हवा में प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होगा और वेज ग्राउंड पे चल रहा होगा, तो क्या होगा, बोथ विल हैव सेम कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बोथ विल हैव सेम कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इस वजह से क्या है, उनकी वेलोसिटी, उनके बीच में हॉरिजॉन्टली कोई सेपरेशन आएगा ही नहीं ना बेटे, वर्टिकली सेपरेशन है। मतलब अगर हम ब्लॉक के मोशन को वेज के रेस्पेक्ट में देखें, आफ्टर द ब्लॉक गेट सेपरेटेड फ्रॉम द वेज, तो पता है आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि ब्लॉक्स वर्टिकली ऊपर गया और नीचे आया, बिकॉज हॉरिजॉन्टली यू विल ऑलवेज बी एट द सेम प्लेस। ये प्रोजेक्टाइल पाथ चल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, या फिर मैं ऐसे कहूं कि अगर मैं ब्लॉक पे बैठ के देखूंगा तो आई विल ऑलवेज फाइंड द वेज राइट बीनीथ मी, मेरे बिल्कुल नीचे ही वेज मेरे को खड़ा हुआ दिखेगा हमेशा। वो सिर्फ वर्टिकल हाइट बढ़ते हुए लगेगी। दिस विल बी द मोशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू द वेज। समझ में आई बात, इसलिए क्या है, वो ब्लॉक वेज पे जाके लैंड करेगा ही करेगा। हाँ, अगर मान लो कोई एयर रेजिस्टेंस वगैरह होता है ना, तो क्या होता, ब्लॉक की स्पीड कम हो जाती तो वेज ब्लॉक से आगे निकल जाता, लेकिन हम वो सारी चीजें को नेगलेक्ट करके चल रहे हैं, तो इसलिए ऐसा कुछ। क्या अभी क्लियर है बच्चों ये वाला केस सबको? हाँ हाँ बेटा, ये बात समझ में आती है जी। अच्छा देखो, पता है क्या है, इस मैं एक और एग्जांपल लेता हूं और आप उस सिचुएशन को और इस सिचुएशन को कंपेयर करना है ना। देखो कैसे, के मान लो हमने क्या किया, एक ब्लॉक है, एम मास का, और इस ब्लॉक के साथ क्या है, स्प्रिंग अटैच्ड, और स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ क्या है, एल नॉट।
और एक और ब्लॉक है M, ठीक है, और ये वाला ब्लॉक अभी रेस्ट पे है, और ये जो दूसरा ब्लॉक है वो U वेलोसिटी से मूव कर रहा है। स्मूथ सरफेस, अब क्या है, हमें पता करना है, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग एंड द मैक्सिमम स्पीड अक्वायर्ड बाय द ब्लॉक। तो देखो बच्चों, इस सवाल में क्या होगा, अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, बी रुका हुआ है, ए के पास कुछ स्पीड है, ए जो है वो बी के कांटेक्ट में, स्प्रिंग के कांटेक्ट में आएगा और ऑफ कोर्स स्प्रिंग को वो कंप्रेस कर देगा। लेकिन जैसे ही स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा क्या होगा, ए ब्लॉक पे लेफ्ट में फोर्स लगेगा और बी पे राइट में फोर्स लगेगा, लेकिन वो फोर्स का मैग्नीट्यूड शुरू के डीटी टाइम में तो बहुत छोटा ही रहेगा क्योंकि स्प्रिंग में कंप्रेशन कम है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए की वेलोसिटी कम होना चालू हो जाएगी और बी की वेलोसिटी बढ़ना चालू हो जाएगी क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस हो गई है, कंप्रेस हो गई है तो बी पे राइट में फोर्स लगाएगी, ए पे लेफ्ट में फोर्स लगाएगी, है ना। तो क्या होगा कि, और ये कंप्रेस क्यों होना चालू हुई बेटे स्प्रिंग, क्योंकि बी के पास वेलोसिटी जीरो थी, ए के पास वेलोसिटी यू थी, राइट। तो स्प्रिंग विल स्टार्ट गेटिंग कंप्रेस्ड स्प्रिंग विल स्टार्ट गेटिंग कंप्रेस्ड एंड वेलोसिटी ऑफ ए विल स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड दैट ऑफ बी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। ए की वेलोसिटी कम होना चालू हो जाएगी, बी की वेलोसिटी बढ़ना चालू हो जाएगी, बट देखो ए की वेलोसिटी यू है, बी की वेलोसिटी जीरो है, तो यू से कम होने में और इससे बढ़ने में क्या मैं बोल सकता हूं कि जब तक ए की वेलोसिटी बी से ज्यादा है, बट टिल वेलोसिटी ऑफ ए इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी, स्प्रिंग विल कीप गेटिंग कंप्रेस्ड।
स्प्रिंग विल स्प्रिंग कीप्स गेटिंग कंप्रेस्ड, है ना, और कंप्रेशन हो रहा है तो ए की वेलोसिटी कम हो रही है, बी की वेलोसिटी बढ़ रही है. क्या एक समय ऐसा आएगा कि एक इंस्टेंट, एट वन इंस्टेंट ए एंड बी वुड एक्वायर इक्वल वेलोसिटीज? क्या ऐसा बोल सकते हैं ए और बी के पास वेलोसिटीज बराबर हो जाएंगी? At some instant, A and B would acquire equal velocities. हाँ सर. अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा? B की velocity का क्या होगा? A की velocity का क्या होगा? After this, velocity of B will further increase. And that of A will further decrease. क्या बेटा? हाँ सर. B की velocity और बढ़ेगी अभी तो, क्योंकि compressed ही है ना spring. Compressed है तो अभी B पे force किस direction में लगा रहा है? क्या B पे force अभी right direction में लगा रहा है और A पे force अभी left direction में लगा रहा है? बी पे राइट में लगा रहा है और ए पर लेफ्ट में लगा रहा है, तो क्या बी की वेलोसिटी अभी और बढ़ जाएगी, ए की वेलोसिटी और कम होगी? तो क्या अब बी की वेलोसिटी ए से ज्यादा हो जाएगी? दैट इज वेलोसिटी ऑफ बी विल बिकम ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर दिस इंस्टेंट. बोलिए जी. हाँ सर. वेलोसिटी ऑफ बी विल बिकम ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर दिस, इस इंस्टेंट के बाद वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो वेलोसिटी ऑफ ए से ज्यादा हो जाएगी. तो क्या हम बोल सकते हैं कि अब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ की तरफ जाने लगेगी? अब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ की तरफ जाने लगी, बी की वेलोसिटी, क्योंकि देखो ए और बी ये दो ब्लॉक है, इन्हीं से स्प्रिंग के एक एक एंड जुड़े हुए हैं अभी कंप्रेस्ड स्टेट में. अब क्या होगा? अभी तक ये दोनों बराबर है, अगर मान लो इनकी वेलोसिटीज बराबर ही रहती तो क्या होता है, स्प्रिंग कंप्रेस्ड की कंप्रेस्ड ही रह जाती, जितना कंप्रेशन है उतना का उतना. लेकिन ये आगे वाले यानी बी की वेलोसिटी अब ज्यादा हो जाएगी किसकी तुलना में, ए की तुलना में, तो क्या अब इनके बीच की दूरी बढ़ने लग जाएगी क्या? अब इनके बीच की दूरी क्या होगा, बढ़ने लग जाएगी. तो हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विल बिकम ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर दिस इंस्टेंट, तो ए और बी के बीच का सेपरेशन जो है वो बढ़ने लग जाएगा. तो क्या हम बोल सकते हैं स्प्रिंग विल स्टार्ट returning to its natural length? हाँ सर. Spring starts to return back to its natural length. तो क्या हम बोल सकते हैं कि therefore compression in a spring will be maximum at the instant velocity of A is equal to velocity of B? जिस instant पर A और B की velocity बराबर हो जाएगी, क्या उसी instant पे compression maximum होगा?
बोलिए। हाँ सर, तो अब वो मैक्सिमम कंप्रेशन पता करने के लिए आपके पास दो इक्वेशन हैं। पहली लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑन ए प्लस बी, वो क्या हो जाएगा, एम यू इक्वल टू एम वी प्लस एम बी, या वी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, यू बाय टू। दूसरा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ऑन ए प्लस बी प्लस स्प्रिंग, तो हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर। तो हाफ सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, एम यू स्क्वायर माइनस टू एम वी स्क्वायर इक्वल टू के एक्स मैक्स का स्क्वायर। तो एम यू स्क्वायर माइनस टू एम वी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, यू स्क्वायर बाय फोर इक्वल टू के एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर। तो एम यू स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर बाई टू कर दो, एम यू स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर बाई टू, तो क्या ये वैल्यू एम यू स्क्वायर बाई टू के बराबर आ जाएगा, इक्वल टू के एक्स मैक्स का स्क्वायर। यानी एक्स मैक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, अंडर रूट ऑफ एम बाई टू के इंटू यू, क्या ये वैल्यू आ जाएगी। क्या इतना मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग आ जाएगा बच्चों, अच्छा अब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ की तरफ रिटर्न होना चालू हो जाएगी है ना, और जैसा कि हमने कहा था कि बी की वेलोसिटी अब इस स्थिति से बढ़ जाएगी और यू की वेलोसिटी इस स्थिति से कम हो जाएगी। तो नाउ अभी तक क्या था, ए की वेलोसिटी ज्यादा थी बी की कम थी, अब बी की ज्यादा हो गई और ए की कम होने लग गई है। ऐसा कब तक होता रहेगा, कब तक बी की वेलोसिटी बढ़ती रहेगी और ए की कम होती रहेगी। कौन बढ़ा रहा है बी की वेलोसिटी को और ए की वेलोसिटी को कम कौन कर रहा है, स्प्रिंग है ना। तो अब बताओ कब तक बढ़ती रहेगी बी की वेलोसिटी और ए की कब तक कम होती रहेगी, जब स्प्रिंग से सेपरेट हो जाएगा। जब स्प्रिंग से सेपरेट हो जाएगा, क्या मैं बोल सकता हूँ जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ जाएगी तब ऐसा हो जाएगा। हमने कहा था ना स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ की तरफ जाना चालू हो गया है, तो क्या होगा इस, तो एक समय ऐसा आएगा जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे आ गया। इसके पहले तक स्प्रिंग कंप्रेस था तो बी की वेलोसिटी को लगातार बढ़ाता जा रहा था, मान लो उसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते वी टू हो गई और ए की वेलोसिटी कम होते होते वी वन हो गई। अभी क्या है, वी टू इज ग्रेटर देन वी वन। क्या मैं अब बोल सकता हूं कि अब ये दोनों सेपरेट होना चालू हो जाएंगे, क्या मैं बोल सकता हूं अब ये दोनों सेपरेट होना चालू हो जाएंगे। हाँ सर, है ना, अब ये दोनों क्या है मतलब सेपरेट हो ही जाएंगे, क्योंकि क्या है ए स्प्रिंग से जुड़ा हुआ थोड़ी था, स्प्रिंग से तो बी अटैच था, ए तो बस आया था उसने कंप्रेस किया था। अब क्या है, बिकॉज बी इज मूविंग विद अ लार्जर वेलोसिटी देन ए, तो बी अपने साथ स्प्रिंग को ले जाएगा और ए
v1 velocity से चलता रहे, तो अब इसके बाद a will continue to move with a lesser velocity v1 and b will now move away with velocity v2. क्या v2 ही b की maximum velocity है? क्या v2 ही b की maximum velocity है? तो हम क्या करें, इनिशियल स्थिति से इस स्थिति तक हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर दें और एनर्जी कंजर्वेशन कर दें। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करोगे तो क्या आ जाएगा, mu इक्वल टू mv1 प्लस mv2, एक इक्वेशन ये, और एनर्जी कंजर्वेशन करोगे तो हाफ mu स्क्वायर इक्वल टू हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर। देखिए जी, क्या ये फिर से वैसी इक्वेशन बन गई जैसे पिछले क्वेश्चन में बनी थी? v1 plus v2 equal to u and u square equal to v1 square plus v2 square, है ना? तो अब इस क्वेश्चन, इस इन दो इक्वेशंस के आप सॉल्यूशन निकालोगे तो वो क्या आएंगे, v1 equal to 0 and v2 equal to u, या दूसरा सॉल्यूशन क्या आता है, v2 इक्वल टू 0 एंड v1 इक्वल टू u। तो ये वाला जो सॉल्यूशन है इसको नहीं देख रहे हैं अपन, ये तो वो इनिशियल कंडीशन पे ही पहुंच गया। क्यों जी? तो अभी क्या होगा, ऐसा अच्छा इसमें क्या है, देखो मैंने ए की वेलोसिटी को राइट में ही v1 माना है ना, अगर मैं लेफ्ट में v1 मान लेता तो ये एग्जैक्टली वैसी इक्वेशन बन जाती जैसी कि पहले बनी थी। तो क्या इसमें भी ऐसा ही हुआ? अल्टीमेटली क्या हुआ, ब्लॉक ने अपनी पूरी की पूरी एनर्जी दे दी किसको बेटे, ए ब्लॉक ने पूरी की पूरी एनर्जी दे दी अपने तो बी को दे, क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ सर। अच्छा इस तरह के क्वेश्चंस को करने का एक आसान तरीका भी होता है, क्या कि फॉर अ टू ब्लॉक सिस्टम,
फॉर अ टू ब्लॉक सिस्टम अच्छा आप एक बात मेरे को बताओ कि ये जो अपन ने दोनों केस पढ़े हैं ऊपर वाले को छोड़ो ये जो स्प्रिंग ब्लॉक का जो सिस्टम हमने पढ़ा था इसमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ड्यूरिंग द एंटायर मोशन कितना बना रहा व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर द एंटायर मोशन क्या हमेशा कांस्टेंट रही सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट रही कितनी रही जल्दी बोलो कितनी बनी रही सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूरे मोशन में कितनी क्या मैग्नीट्यूड रहा उसका व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पर एंटायर मोशन U by 2 किसी भी इंस्टेंट पे पूछे शुरू में था जब स्प्रिंग अनकंप्रेस थी थोड़ा कंप्रेशन हुआ मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ बाद में सेपरेट हो गए हमेशा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेंड कितना U by 2 है ना ध्यान दो बच्चों एक टू ब्लॉक सिस्टम के लिए आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम का ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो हाफ इनटू टोटल मास ऑफ सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ इनटू म्यू इनटू वी रिलेटिव का स्क्वायर Where what is mu? Mu is m1 m2 upon m1 plus m2. What is capital M? Capital M is m1 plus m2. What is V relative? V relative is advent. Relative velocity between the two blocks. Relative velocity between the two blocks. क्या ये चीज समझ आती है ये कैसे आया ये फॉर्मूला भाई इसको आप मतलब रिवर्स जो है वो प्रूव करके देख सकते हो है ना वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को आप लिख दीजिए कितना m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 और रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू ब्लॉक्स क्या हो जाएगी V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर तो इस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जो ये एक्सप्रेशन हमने लिखा हुआ है ये कैसे आ जाएगा हाफ कैपिटल M कैपिटल M को लिख देते हैं V1 प्लस V2 वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर तो आ जाएगा M1 V1 वेक्टर प्लस M2 V2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2 डॉट m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस हाफ म्यू
इनवैक्स कर रिलेटिव देना। का स्क्वायर, तो v1 माइनस v2 डॉट v1 सर स्क्रीन लैग कर रहे हैं। एक मिनट पर अटक गया क्या? ऐसा तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे? m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच जाएगा 1/2 इनटू 1/m1 प्लस m2, और ये जो न्यूमेरेटर में जो दो वेक्टर लिखे हुए हैं इनका डॉट प्रोडक्ट। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे करोगे? m1 v1 का m1 v1 के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर आ जाएगा। फिर m1 v1 का m2 v2 के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो वो आ जाएगा m1 m2 इनटू v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर। फिर m2 v2 का m1 v1 के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो फिर से यही वाली टर्म आ जाएगी, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस m2 v2 का m2 v2 के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू v1 स्क्वायर माइनस 2 v1 डॉट v2 प्लस v2 का स्क्वायर। कैसा आ जाएगा जी, है ना? अब देखना आप, यहां से मैं क्या करता हूं, इन टर्म्स को अलग अलग करना चालू कर देता हूं, तो m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m1 प्लस m2, ये एक अलग टर्म ले ली मैंने, और m1 m2 अपॉन 2m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय v1 डॉट v2, इसको अलग टर्म ले लिया, प्लस हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ऐसा आ जाए, प्लस अच्छा यहाँ वाला 2, एक 2 इधर भी है ना, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर डेनोमिनेटर का भी 2 अपन लोग हटा देते, प्लस अच्छा अब m1 m2 m1 प्लस m2 v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर वाली टर्म कंज्यूम हो गई, बचा क्या v1 डॉट v2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ पर एक प्लस साइन नहीं आएगा, ये क्या होगा, माइनस साइन बन जाएगा, माइनस v1 डॉट, क्या ये v1 डॉट v2 वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी क्या बच्चों? और आपके पास क्या बच जाएगा, ये जो दो टर्म्स हैं इनमें से मैं 2m1 प्लस m2 डेनोमिनेटर से कॉमन ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर प्लस कितना, प्लस
m1 m2 v1 स्क्वायर प्लस m2 m1 m2 v2 स्क्वायर। कैसा आ जाएगा जी? अब इन दोनों को लेकर के जब आप चलोगे तो क्या आ जाएगा बेटे? इन दोनों को लेकर के जब आप चलोगे तो यहां से मैं v1 m1 v1 स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो इसको m1 प्लस m2 ऐसा लिख सकता हूँ। और ये दोनों जो टर्म हैं, इन दोनों टर्म में से मैंने m2 v2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या m2 प्लस m1 ऐसा बच जाएगा डिवाइडेड बाय 2 into m1 प्लस m2। और m1 प्लस m2 से ये कॉमन आकर के कैंसिल हो गया, तो क्या वैल्यू आ गई जी? m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर बाय 2 ऐसा आ गया। या इसको हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर ऐसा कर सकते। बोलिए जी बच्चों। और क्या यही काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इसी तरीके से लिखते हैं अपन नॉर्मली अगर लिखे तो? है ना? तो ये जो चीज है सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, ऑफ ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू ब्लॉक्स या टू पार्टिकल्स एज अ सिस्टम का क्या एक्सप्रेशन आ गया जी? हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर। अब देखो इस कंसेप्ट को हम, ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा, इसमें कैसे अप्लाई करें? बी ब्लॉक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है और ए ब्लॉक के पास वेलोसिटी यू, और बी स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, बी की वेलोसिटी 0 और ये नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग। अब देखो जब हम सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे बच्चों, तो क्या उसमें हाफ एम वी सी एम स्क्वायर वाली टर्म कांस्टेंट रहेगी? बोलिए जी, क्यों कांस्टेंट रहेगी? सिंस एक्सटर्नल फोर्स इज 0 इंप्लाइज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0 इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन व्हाट? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो इस सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी में वेरिएशन आएगा वो सिर्फ इस वाली टर्म में ही वेरिएशन आएगा ना? अच्छा, क्या मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम कांस्टेंट है ना? और जैसे जैसे ये ब्लॉक आगे जाता जाएगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करता जाएगा, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो क्या बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कम होगी? सर बोलिए जी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा? इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। और इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो क्या होगा जी? कौन सी वाली कम होगी? क्या ये वाली टर्म कम हो सकती है क्या कभी? नहीं। ये टर्म तो कम नहीं हो सकती। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जब पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम
व्हेन काइनेटिक एनर्जी विल बी मिनिमम, कैसा बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी तब मैक्सिमम होगी जबकि काइनेटिक एनर्जी इसकी मिनिमम हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम। और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कब होगी, देखो ये फर्स्ट टर्म तो चेंज हो नहीं रही, क्या मैं बोल सकता हूँ जब सेकंड टर्म जीरो हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। हाँ सर, हाँ सर, है ना। तो इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी विल बी मिनिमम व्हेन रिलेटिव वेलोसिटी बिकम्स जीरो, है ना। हाँ सर, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें तो क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर। बोलिए जी, तो जीरो हो जाएगा ना। हाँ, तो वही तो कन्वर्ट हुआ ना। देखो हाँ, भाई आप एक इक्वेशन कैसे लिखोगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर, फाइनल कैसे लिखोगे, हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर, और जब एक्स मैक्सिमम हो गया उस समय पे तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई। तो बेसिकली हुआ क्या, ये हाफ एम वी सी एम स्क्वायर से तो हाफ एम वी सी एम स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली ये जो हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर वाला जो काइनेटिक एनर्जी का हिस्सा था, क्या यही तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और जब ये पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो कंप्रेशन मैक्सिमम आ जाए। तो इससे क्या आ जाएगा जी, म्यू को लिख दो एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, वी रिलेटिव को क्या लिख देंगे यू, तो यू का स्क्वायर इक्वल टू के एक्स मैक्स का स्क्वायर, है ना। यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने लिया था उसमें तो एम वन एम टू दोनों बराबर थे, तो क्या ये एम बाई टू के बराबर आ गया, तो एम बाई टू इंटू यू स्क्वायर इक्वल टू के एक्स मैक्स का स्क्वायर, यानी एक्स मैक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम बाई टू के इंटू यू। बोलिए जी। हाँ सर, हाँ सर, ये बात है बच्चों, है ना। जैसे मान लो मैं तुम्हें ये सवाल दूं कि ये दो ब्लॉक हैं, एक का मास है m, दूसरे का मास है 2m, है ना, और मैंने क्या किया 2m मास को वेलोसिटी दे दी u राइट में, m मास को या इसको वेलोसिटी दे दी 2u राइट में, और m मास को वेलोसिटी दे दी u लेफ्ट में, कब, जब स्प्रिंग अपनी
नेचुरल लेंथ पे थी, और ये सरफेस कैसी है? स्मूथ सरफेस है। तो हमें पता लगाना है, फाइंड द मैक्सिमम कम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। तो बच्चों कैसे करोगे? क्या हम बोल सकते हैं मैक्सिमम इलोंगेशन का मतलब क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है? मैक्सिमम मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। क्यों? एंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज ऑल द टर्म हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर शुड गेट कन्वर्टेड इन टू पोटेंशियल एनर्जी। क्यों जी? जब कभी भी ऐसा होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्या उसी समय पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी क्या? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर। तो देखो, आप ऐसे सोचो कि भाई ये एक काइनेटिक एनर्जी के रूप में क्या है? आपके पास कुछ कुछ आपके पास बैंक बैलेंस है ना? अब वो दो जगह पे बटा हुआ, दो अकाउंट में रख रखा है, एक सेंटर ऑफ मास के पास और एक इस वाली टर्म। अब ये वाला जो अकाउंट है उसको आप कभी डिस्टर्ब नहीं करते, आप बस इसी में से जो भी कुछ आपको खर्चा करना हो इसी में से करते। तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कब होगी? जब ये वाला पूरा का पूरा आपने क्या कर दिया? जीरो जीरो कर दिया, मतलब ये पूरा का पूरा आपने पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इन्वेस्ट कर दिया। हाँ सर हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, ये जब पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? स्प्रिंग की एनर्जी में, तो आपके पास इलोंगेशन मैक्सिमम आएगा। अब आप म्यू की वैल्यू लिख दो। म्यू की वैल्यू क्या है? एम इंटू टू एम अपॉन एम प्लस टू एम, और वी रिलेटिव कितना है? 3 थ्री यू का होल स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। तो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, इधर लिखा हुआ है 2m/3, उधर लिखा हुआ है 3u, तो 2m/3 इंटू 9u² इक्वल टू के एक्स मैक्स का स्क्वायर, यानी के एक्स मैक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे? एक्स मैक्स की वैल्यू आ जाएगी सिक्स अंडर रूट ऑफ 6m/k मल्टीप्लाइड बाय हाँ इस तरह से एक स्टेप में ही आंसर आ जाता है कि नहीं आता? है ना? देखो, अदरवाइज इस क्वेश्चन को हम करने जाएंगे तो इसका एनालिसिस काफी लंबा होगा। अल्टीमेटली कंक्लूजन वही निकल करके आएगा कि जब दोनों की वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे बराबर हो जाएगी तभी इलोंगेशन मैक्सिमम होगा। लेकिन दोनों की वेलोसिटी बराबर होने का मतलब क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होना, जिसको अपन ने एनर्जी के टर्म्स में बड़ी आसानी से समझ लिया ना।
भाई मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट देखो कभी सिर्फ तभी लग पा रहा है क्या, जबकि मैकेनिकल एनर्जी भी कांस्टेंट है और वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास भी कांस्टेंट है, यानी लीनियर मोमेंटम भी कांस्टेंट है। नहीं, वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है तो हम इस वाली टर्म के बारे में काफी रिलैक्स हो गए क्या, यार ये तो कभी चेंज नहीं होगी, यही बदल रहा है। तो जब ये मिनिमम हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है ना, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी तब मैक्सिमम होगी जब ये हाफ म्यू वी रिलेटिव वाली स्क्वायर वाली टर्म पूरी की पूरी किसमें कन्वर्ट हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, हाँ ओके। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग रिवाइज कीजिए। अभी सेंटर ऑफ मास की शीट से मैंने तुम्हें कौन कौन सा सेक्शन करा दिया है, वी हैव कवर्ड सेक्शन ए बी सी डी है ना, तो इसके क्वेश्चंस आप लोग कर लो बच्चों। हाँ सर, हाँ सर, है शीट है ना सबके पास कि किसी के पास नहीं है? सर। ऐसा या कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए हैं तो डाउट्स पूछ सकते हो जी उसमें से, कोई डाउट्स तो नहीं? अभी सेक्शन ही हुआ अभी एक हुआ है तो तक। हाँ कर लो यार इसको फटाफट कर लो, फिर क्या है एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा और फिर कोलिजन वोलिजन पढ़ने में मजा आएगा तुम्हें। हाँ सर, ओके। तेरा वही भेज दोगे ना? हाँ पीडीएफ भेज रहा हूँ।